हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी, मॉडर्न और बिल्कुल ज़ीरो बजट में बहुत ही खूबसूरत दो तरह के ऐसे पिलो कवर या कुशन कवर और कुशन जो कि आप अपने घर की पुरानी रुई या फिर पुरानी फाइबर से बना सकते हैं। और उसके लिए बिल्कुल बेकार सामान चाहिए जो कि हमारे घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। तो उसके लिए ये देखिए, ये इस टाइप का बच्चों का एक बिछौना टाइप का होता है गद्दी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत रुई होती है, उसको ले रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ इस टाइप की, ये रग कहिए इसको, मैट कहिए या फिर दरी कहिए, इस टाइप की चिंदी रग या फिर दरियाँ जो होती हैं वो हम सभी के घरों में मौजूद होती हैं। और इससे बनने वाले जो लॉन्ग फुट टाइप का एक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पिलो, जो कि काफ़ी लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यकीन माने आप एक बार बना करके देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो उसके लिए जैसे कई बार आपने देखा होगा ये हम सभी के घरों में होती हैं, कई बार वूल से बनी हुई दरियाँ भी होती हैं, कई बार इस टाइप की दरियाँ भी सभी के घर में मिल जाती हैं। तो उसको इस तरीके से मैं डबल करके स्टिचिंग कर ले रही हूँ और बहुत ही आसानी से ये ऊन की सहायता से मैंने स्टिच कर ली है। आप चाहें तो धागा भी ले सकते हैं मोटा, तो इसको मैंने स्टिच करके पूरा लंबाई में और अब कर रही हूँ इसको सीधा, तो क्योंकि सिलाई जो है वो अंदर के साइड में आ जाएगी। और इसका एक बहुत अच्छा यूज़ भी बताऊंगी, पिलो के अलावा आप इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते वो भी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये आपका एक स्टोरेज बैग का भी काम करेगा। किस तरीके से करेगा, आपकी डेकोरेशन भी हो जाएगी और स्टोरेज बैग भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगाने के बाद में इसको कर लिया है सीधा। और अब सीधा करने के बाद में इसका ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई के साइड में ये देखिए, एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है और दूसरे साइड से मैं ये रख रही हूँ इस टाइप का बिछौना। इसकी आप चाहे तो रुई निकाल करके इसके अंदर रुई भी फिल कर सकते हैं, कोई भी पुरानी कॉटन। मैंने आपके साथ में इससे पहले भी दो पिलो के कवर या दो पिलो मैंने शेयर किए हैं और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ में आगे भी शेयर करूंगी। और फिल करने के बाद में बस जस्ट दोनों साइड से मैंने स्टिच कर दिया है वूल की हेल्प से और ये मेरा एक लॉन्ग लॉग टाइप का मेरा एक पिल्लो बन करके तैयार हो गया। और इसका दूसरा यूज़ ये है कि आप अगर चाहें तो इसमें अनयूज्ड कपड़े भी फिल कर सकते हैं। और इसके एक बेनिफिट ये है कि जब आपको चाहिए कि आपको ये पिलो नहीं चाहिए, आप इसको निकाल करके अलग भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन माने अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको हमेशा रखने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा और बेड पर तो ये बहुत अच्छा लगता ही है। इसके अलावा अगर आप इसको आपके यहाँ फ्लोर सीटिंग का अगर अरेंजमेंट है तो फ्लोर सीटिंग में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोर सीटिंग में रखा हुआ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एक छोटे छोटे कुशंस की जगह अगर आप एक लॉन्ग कुशन रखेंगे, इस टाइप का पिलो रखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। तो ये देखिए, मेरे पास दो रग हैं इसमें के, तो एक का तो मैंने पिल्लो बना दिया और दूसरे का मैंने ये बना दिया। अच्छा, दूसरा जो पिल्लो बना रही हूँ उसको तो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर, और बना करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। तो मैंने लिए ये 12x12 के दो पीस और उसको तीन साइड से मैंने सिल लिया। और सिलने के बाद में जो भी हमारे घर के पुराने पिल्लोज़ की कॉटन होती है या फाइबर होती है, उसको थोड़ा सा खोल करके किस तरीके से उस रुई को ठीक करते हैं वो मैंने आपके साथ में पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ पिल्लो वाले में, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको पिल्लो के अंदर भर के कॉटन को मैंने चारों तरफ से सिल दिया। तो ये बन गया मेरा फिलर। और फिलर के बाद में अब मुझे चाहिए कवर। तो अगर आपके पास कवर है कोई भी पुराना तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुराना कवर नहीं है तो आप क्या कीजिए, 12x12 के आपको दो टुकड़े लेने हैं, उसको तीन साइड से आपको स्टिच कर लेना है, फिर ये जो फिलर हमने बनाया है फिलर को भरिए और चौथे साइड से भी आप स्टिच कर सकते हैं। और एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ में आई बटन पर शेयर कर दूंगी। मैंने बहुत सारे कुशन कवर आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप DIY प्लेलिस्ट चेक करेंगे मेरी तो आपको मिल जाएंगे।
तो काफ़ी सारे स्टिचिंग के रिलेटेड DIY हैं, आपको मेरी DIY प्लेलिस्ट पर देखने मिलेंगे। तो इस टाइप के दो मेरे कवर तैयार हो गए। अब ये मैंने लिया है फेल्ट फैब्रिक। फेल्ट फैब्रिक आपको ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस फैब्रिक को किसी भी कपड़े की शॉप से ले सकते हैं। ये काफ़ी मोटा और काफ़ी थिक कपड़ा होता है। फिलहाल मैंने मेरे पास इस टाइप का मैंने ग्रो बैग मंगाए थे, तो ये रेड कलर का जो ग्रो बैग है ये चूहे ने काट दिया था। तो इस ग्रो बैग का मैंने कटा हुआ पोर्शन तो अलग कर दिया, लेकिन इस पोर्शन के ऊपर मैंने पत्तियां बना करके, लीव्स टाइप की बना करके इसको कट कर लिया है। तो इस टाइप से आप मिल्टन चौकी या स्केच पेन की या फिर चौक की हेल्प से आप इस टाइप की पत्तियां इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए और सिंपल सा कट कर लीजिए। और बहुत ही आसान है इसको करना। और आप कोई भी एक सब काम करते हुए अपना मनपसंद कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं, और फ्री टाइम में जब भी आप होते हैं ये काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है घर में इस तरह की चीज़ें बनाना, वो भी आपकी जो अनयूज्ड चीज़ें हैं उससे। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ इस टाइप की चीज़ें बनाने में। अपने हाथ की चीज़ें जो बनती हैं वो उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो बिल्कुल पैसों बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे DIY। तो इसको भी मैं इसी तरीके से कट कर रही हूँ। और इस फैब्रिक की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि अगर आप इसके किनारे नहीं भी मोड़ेंगे तो ये कपड़े से, मतलब किनारे जो होते हैं ना, वो निकलते नहीं हैं। तो ये सभी मैंने लीव्स कट कर ली हैं, और सभी लीव्स के बीच में करना क्या है, छोटा छोटा सा कट लगाना है इस तरीके से। सेंटर से लीजिए और छोटा सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग आधा इंच का आपको सभी लीव्स में कट लगाना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप लीव्स कट कर रहे हैं तो आपको लीव्स को, कुछ लीव्स छोटी कट कीजिए और कुछ लीव्स बड़ी। तो ये सभी लीव्स में मैंने कट लगा दिया सेंटर में, और एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के ऊपर मिलाते हुए हमें सुई और धागे की हेल्प से हल्का सा कच्चा टाका लगा लेना है, जिससे कि हमारा ये जो लीफ है या फिर पत्ती है इसका थोड़ा सा उभार आए और ये बिल्कुल थोड़ा कटोरी नुमा इसका शेप आ जाएगा, तो ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो हम फ्लावर वाला हम बना रहे हैं, एक्चुअली एक कुशन कवर या फिर कुशन, तो उसमें फ्लावर जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा उभर के आएगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब देखेंगे इस वीडियो को लास्ट तक तो आपको दोनों पिल्लोज़ जो मैं बना रही हूँ, एक आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ और दूसरा मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ, कर रही हूँ आपके साथ में, तो दोनों कुशन्स को या दोनों पिल्लो को आप साथ में रखे हुए देखिए और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। साथ ही साथ आप मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। तो इस टाइप से इन सभी को मैंने स्टिच कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि हम जब जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ वही करते हैं, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये सभी चीज़ें कभी ना कभी हमें काम में ज़रूर आती हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी ये जो पत्तियां थी इनको लेकर के अब एक एक करके मैं सुई धागे की हेल्प से इनको स्टिच कर रही हूँ फ्लावर की तरह। और स्टिच करने के बाद में मैंने आधे में ही स्टिच किया है, आप चाहें तो पूरे पिल्लो को कवर कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक फ्लावर बड़ा सा चाहिए था सेंटर में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से सिला है। और बीच में लगा दिया मैंने एक बटन जो कि मेरे पास था। और इसको कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए, मैंने सोफ़े के ऊपर अपने लगाया है, और इसके सोफ़े पर लगाने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये लाइट पता नहीं इतना जज नहीं कर पा रही है, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो लाइट्स की प्रॉब्लम की वजह से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फ़िलहाल आपको बेड पर दिखाती हूँ कि इस तरीके से लग रहा है ये। और बेड पर लगा हुआ ये देखिए, हमारा जो लॉग वाला जो हमने पिल्लो बनाया था उसके साथ में ये मैंने कुशन रखा है, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। और साथ ही साथ ये भी जो आप बेडशीट देख रहे हैं, ये बेडशीट भी हैंडमेड बेडशीट है जो मैंने आपके साथ में हाल ही में शेयर की थी, बिल्कुल जस्ट अनयूज्ड कपड़ों के साथ में। तो इस तरह के काम कर
करते रहने से घर में नई नई चीजें भी बनती हैं। फिलहाल मुझे तो ये दोनों ही पिल्लो काफी अच्छे लगे, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर ले विद बेल बटन इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी बी